आज मैं जितना डाउन हूँ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वीकेंड है, और वीकेंड मीन्स सैटरडे, सैटरडे मॉर्निंग। और 10 बजे मैं उठाऊँ और 11 बजे का प्लान था कि नाश्ते के लिए पहुँच जाना है दोस्तों के साथ। तो आज मैंने बाहर जाना है, बड़े दिनों बाद बाहर जा रहा हूँ नाश्ता करने। तो इसके लिए मुझे पहले तो कपड़े प्रेस करना पड़ेंगे, कपड़े प्रेस करके फिर आपको मिलूँगा। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ, बल्कि दो बता देता हूँ। एक कि ये मैं शर्ट हमेशा येलो ही क्यों पहनता हूँ, उसकी ख़ास वजह है क्योंकि मैं रात को जब सोता हूँ तब मैं ये पहनता हूँ, और सुबह जब उठता हूँ तो जाहिर बात है यही नज़र आएगी, और सुबह सुबह मैं व्लॉग बनाता हूँ। और दूसरी बात यह कि बाहर बहुत ही सेक्सी मौसम, अच्छा मौसम, ब्यूटीफुल मौसम है, सेक्सी वर्ड नहीं यूज़ करना दोबारा। खैर, हॉस्टल में मेरी ये कबर्ड है और ये बहुत ही पुरानी है क्योंकि हॉस्टल भी 100 साल पुराना है। खैर, ये बात इरेलीवेंट है और इस बेस पे अगर आप मुझे जज करना है तो बेशक करें। और ये सारे कपड़े जो हैं ये यूनिवर्सिटी पहन के जाता हूँ, ये प्रेस हुए में बेहतरीन है और ये फॉर्मल है, ये नहीं पहन सकता। आज ज़रा कोई कैजुअल सी ड्रेसिंग करेंगे। एक बड़ी अहम चीज़ तो दिखाना ही भूल गया, इसकी स्टोरी बाद में बताऊँगा। वो चीज़ ये है, अब इसकी भी एक अलग कहानी है, फिर कभी बताएंगे। तो ख्वातीनों हजरात, बात कुछ ऐसी है कि हर बंदे की ज़िंदगी में एक आध ऐसा काम होता है जो उसे इंतहाई इरिटेटिंग लगता है। तो मुझे भी कपड़े प्रेस करना बहुत ही डिस्टर्ब करता है, लिहाजा उसका भी हल मिल गया। हॉस्टलाइजर जो होते हैं ना, वो ये हल ढूंढते रहते हैं। मैंने कपड़े ही ऐसे चूज़ किए हैं जो भाई प्रेस हो ही नहीं सकते, फुल खली बल्ली सीन है, बस इन्हें ऐसे ही पहनूंगा, ट्राउज़र शर्ट है, कैजुअल सीन है। और फिर मिलते हैं, आज के दिन में मिलते रहेंगे, और क्या करना है, फ्री हैं हम भी और आप भी। नहाने जा रहा हूँ, किसी ने आने सर हाफिज मेरे रूम, मैं बहुत मिस करूँगा यार। डोगर, मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत सेक्सी लग रहा हूँ ना? फुल सेक्सी। माय गॉड, बहुत शुक्रिया। ओहो, पढ़ाइयाँ हो रही हैं। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो मैं साइकिल पे जाऊँ या स्पीडो पे। और साइकिल और स्पीडो में से चूज़ करना डिपेंड करता है कि साइकिल की कंडीशन क्या है। साइकिल मियाँ जो थे ना, वो इंतहाई दर्दनाक हालत में थे। थोड़ी इनकी सफाई की तो मैंने कहा स्पीडो की नस्बत यही बेहतर है, अपनी टांगों में हिम्मत तो देखी जाए ना। तो मैंने फिर साफ़ किया, आगे तो पता ही है। फिर सो देयर आर टोटल टू थिंग्स विच आई वांट टू टेल यू। नंबर वन, कि मैंने शूज़ नहीं पहने, उसकी एक ख़ास वजह है। आज है सैटरडे और सैटरडे को तो ज़ाहिर बात है बंदे रिलैक्स होते हैं, तो मैं शूज़ पहन के दोबारा से अनकम्फर्टेबल नहीं हो सकता था। एंड सेकेंडली, साइकिल पे आने की एक वजह है, आई वांट टू चेक हाउ पावरफुल माय लेग्स आर। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है लिबर्टी, और लिबर्टी में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ हमने खाना या नाश्ता जो भी है वो खाना है। सो देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है ये सीन, थक तो गया हूँ। ये
ये हालत है लाहौर की अच्छी अच्छी सड़कों की, क्या बात है भाई। शायद इन्हीं बातों की वजह से कहा जाता है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं है। हमारी डेस्टिनेशन के लिए सिग्नल दिया गया कि आगे और जाएं, थोड़ा और पसीना बहाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, एक कैप्री रेस्टोरेंट किस जगह है? वहाँ से जाके अंदर राइट है ना, यहाँ पे गए। चलें सही, मेहरबानी। डेस्टिनेशन इज ऑलमोस्ट 2 मिनट्स अवे फ्रॉम मी। होपफुली अच्छी जगह होगी, मुझे जहाँ कहा गया मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। ये मेरी चॉइस नहीं है। फर्स्टली आई हैव टू पार्क माई साइकिल, जो बहुत ज़रूरी है। पार्किंग है, साइकिल की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए लॉक लगा दिया गया भाई। सिर्फ ये बताएं कि एटीएम कहाँ पे? यहाँ से थोड़ा सा जाएंगे। हाँ, इसके साथ ही राइट हो जाएंगे। ये ना हो कि ये लाहौरियों वाला रास्ता हो कि थोड़ा सा आगे जाएं, आधा घंटा लग जाए। चलें सही, मेहरबानी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है ज़िंदगी में कि किसी लाहौरी ने रास्ता बताया कि थोड़ा सा है, और वो वाकई थोड़ा सा हुआ। सो ये मिज़ान बैंक मेरा बैंक नहीं, मेरा कोई और बैंक है, यहाँ सिर्फ एटीएम इस्तेमाल कर रहा हूँ। इतना थका बैंक नहीं हो सकता मेरा। मेरा बैंक को सीरियस नहीं ले लेना, इट मीन्स कि जिसमें मेरा अकाउंट है वो। तो ये रहा कैप्री, होपफुली इट विल बी अ गुड प्लेस, लेकिन अंदर जाके पता चलेगा। दो नाश्ते और साथ दो लस्सियाँ और एक दही करना है, और नाश्ता स्पेशल वाला है ना, कैप्री नाश्ता। अच्छा ये देखें, ये कप है और ये कागज़ का, इसके अंदर चाय, और साथ ही ये लस्सी वाला ग्लास है और ये प्लास्टिक का। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये क्या सीन है, मुझे वाकई नहीं समझ लग रहा कि ये क्या सीन है। मतलब या तो दोनों ही प्लास्टिक की चीज़ें कर दें, या दोनों ही कागज़ की चीज़ें कर दें, बैलेंस कर रहे हैं शायद ये। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna step me. होटल वालों ने सक्सेसफुली हमें शट अप कॉल दे दिए कि आप जाएं यहाँ से, और अभी इसी वजह से मुझे यहाँ व्लॉग एंड करना पड़ेगा। बस फिर चलते हैं और अगले व्लॉग में मिलेंगे। बारिश हो रही है वैसे। I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something. एक निहायत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है, वो ये है कि जब आप किसी होटल में जाएं तो वेटर खाना खाने के बाद आ जाए ना कि अब मैंने सफाई करनी है टेबल की, तो इट मीन समझ जाइएगा कि वो आपको वहाँ से भिजवाना चाहते हैं, वो तंग आ गए आपसे। तो लिहाजा अपनी इज्जत को मद्देनज़र रखते हुए पहले ही उठ जाया करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन आपके लिए ना हो तो वो अलग बात है।